कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा कहीं न कहीं अब परेशानी का कारण बन रही है। दरअसल विनोबा भावे विश्वविद्यालय ने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, लेकिन ग्रुप से किसी ने छात्राओं के नंबर लीक कर दिए, जिसके बाद उन बच्चों के नंबर पर पोर्न वीडियो और अश्लील फोटो आने लगे। किसी अज्ञात नंबर से भेजे जा रहे इन मैसेज की जानकारी फिलहाल कुलपति को दी गई। हम लोग का डिपार्टमेंट से था, वो फिलोसफी ग्रुप में, तो वो किसी ने वायरल कर दिया, तो मतलब नंबर चुरा के ग्रुप से, और कोई लड़का ऐसा अश्लील वीडियो वगैरह ये सब गाली गलौज करता था। कोई डिपार्टमेंट का लड़का नहीं था, बाहर से कहीं से नंबर उसको मिल गया था। इस तरह की सिचुएशन है सामने, तो इस बारे में तो अभी पूरी जानकारी मिली भी नहीं है। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत की थी क्या? इसकी शिकायत तो नहीं हुई थी, सब ये ऐसे कुछ मामले थे कि मतलब कहाँ नहीं जा सकता था, इसके लिए सब लोग शांत रहे थे। किस टाइप का अश्लील वीडियो आता था, क्या आता था, फोटो आता था, मैसेज आता था, क्या आता था? मैसेज ज़्यादातर आते थे, मैसेज ज़्यादातर आते थे और गाली गलौज मेरे सामने। तो कब से ये इस तरह का घटना घट रहा था? यही मतलब लॉकडाउन के बाद से कुछ दिनों बाद। तो क्या ये ऑनलाइन पढ़ाने के लिए ग्रुप बना था, ऐसा क्या है? इस बारे में मुझे जानकारी नहीं मिली। ऑनलाइन ग्रुप बनाया गया था, तो फिर उसमें से हम लोग कि थोड़ा गांव से उठ के आए हुए, तो हम लोग ज़्यादातर टाइम नहीं दे पाते थे ऑनलाइन क्लासेस में, इसके लिए मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी। क्या चाहते हैं? वहीं JCM के छात्र नेता चंदन सिंह ने बताया कि इस मामले की जानकारी कुलपति को दी गई है, लेकिन विभाग अध्यक्ष मामले को लेकर लीपापोती कर रहे हैं। डिपार्टमेंट में ऑनलाइन क्लासेस के दरमियान लड़कियों को अश्लील मैसेज भेजे जाने का मामला सामने आया था, जिसको लेकर के हम लोगों ने जो है तो कल कुलपति महोदय को लड़कियों के द्वारा एक आवेदन दिलवाया। उस वक्त कुलपति ने कहा कि मैं त्वरित कार्रवाई करते हुए SP को निर्देश दूंगा कि FIR दर्ज किया जाए और तत्काल जो है उसमें एक्टिंग की जाए। उसके बाद हम लोगों ने SP महोदय से भी बात किया, SP महोदय ने भी कहा कि अगर मामला विश्वविद्यालय की तरफ से हमारे पास आता है तो 2 दिनों के अंदर गिरफ्तार करके हम उसको जेल भेजने का काम करेंगे। आज जब हम लोग यहाँ पहुँचे हैं तो हेड जो है तो इस मामले को लीपापोती कर रहे हैं, लड़कियों को बुला करके डराया धमकाया जा रहा है, उनसे अपने मनचाहे तरीके से लिखवाया जा रहा है। जो भी आरोपी है उसके गार्जियंस को बिठा करके हेड रखे हुए हैं अपने पास में, और लीपापोती का मामला जो है सो पूरे जोर शोर से चल रहा है। अगर विश्वविद्यालय ऐसी घटनाओं पे कार्रवाई नहीं करती है, लीपापोती का काम करती है, तो लोग डरेंगे कैसे? और डरेंगे नहीं तो कल हमारी बहन और बेटियां जो हैं तो विश्वविद्यालय में कैसे आएंगी पढ़ाई करने के लिए? तो ऐसे मामले पे एक्शन होना चाहिए, न कि ऐसा लीपापोती होना चाहिए। वहीं विभागाध्यक्ष इस मामले पर कुछ भी कहने से बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि मामले की तफ्तीश की जा रही है, इसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। देने की जगह पे ये अभी ये बहुत व्यापक मुद्दा है, ठीक है, और ये इस पर तो मतलब शोध की जरूरत है। ये अभी प्रायोगिक स्तर पर है, ये जो मोड है ऑनलाइन मोड, इतने बड़े फैसले या इतना बड़ा विमर्श पर मैं कोई राय रखने की स्थिति में नहीं, ठीक है। मैंने अपने तरफ से शुरुआत से ही पूरी कोशिश की है कि पठन पाठन जो है सो गुणवत्तापूर्ण हो, और गुणवत्तापूर्ण हुआ भी है, ठीक है। आप लोगों का हम मुझे जो है सो ये थोड़ा सा चीज़ों को जानने और समझने का, गहराई से समझने का मौका दिया जाए, उसके बाद जो है सो मैं विश्वविद्यालय जो है सो आपका स्वागत करेगा इस विषय में। बच्चे क्या बात लेकर के आपके पास आए सर? देखिए ये देखिए सर, जो प्रारंभिक बातें सामने आई वो कितना अहम गंभीर मामला लगता है। अभी मैं इस पर काम करने दिया जाए, मैं कुछ भी बोलने की। समय के साथ चलते हुए ऑनलाइन क्लास अभी के समय में एक बेहतर विकल्प है, लेकिन विश्वविद्यालय और प्रशासन के इस कांड पर उचित कार्रवाई करे, ताकि ऑनलाइन क्लास के नाम पर भय का माहौल है उसे छुटकारा मिले और बच्चे पढ़ाई की तरफ ध्यान दें।